ऑडियो नंबर 4 तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति पुस्तक। एक लंबी नाली लगातार खोदते चले जाएं तो प्रतीत होगा कि वह सीधी समतल जा रही है, पर वस्तुतः वह गोलाई में ही खुद रही है और वह क्रम चलता रहने पर खुदाई उसी स्थान पर आ पहुँचेगी जहाँ से वह आरंभ हुई थी। रबड़ की गेंद पर बिल्कुल सीधी रेखा खींचने पर भी वस्तुतः वह गोलाई में ही खींच रही है। सीधी रेखा खींचने का मतलब उसके दोनों सिरों का अंतर सदा बना रहना ही होना चाहिए, पर जब वे अंततः एक में आ मिले तो फिर सीधी लकीर क्यों हुई? कागज़ पर, जमीन पर या कहीं भी छोटी बड़ी सीधी लकीर खींची जाए, वह कभी भी सीधी नहीं हो सकती। स्वल्प गोलाई अपने नाप साधनों से भले ही पकड़ में ना आए, पर वस्तुतः वह गोल ही बन रही होगी। जिस भूमि को हम समतल समझते हैं, वस्तुतः वह भी गोल है। समुद्र समतल दिखता है, पर उस पर चलने वाले जहाज़ों का मस्तूल ही पहले दिखता है। इससे प्रतीत होता है कि पानी समतल प्रतीत होते हुए भी पृथ्वी के अनुपात में गोलाई लिए हुए है। जमीन पर खड़े होकर जमीन और आसमान से मिलने वाला क्षितिज प्रायः 3 मील पर दिखाई पड़ता है, पर यदि 200 फुट ऊंचाई पर चढ़कर देखें तो वह 20 मील की दूरी पर मिलता दिखाई देगा। यह बातें पृथ्वी की गोलाई सिद्ध करती हैं, फिर भी मोटी बुद्धि से उसे गोल देख पाने का कोई प्रत्यक्ष साधन अपने पास नहीं है। वह समतल या ऊंची नीची दिखती है, गोल नहीं। ऐसी दशा में हमारा दिशा ज्ञान भी अविश्वस्त ही ठहरता है। चंद्रमा हमसे ऊंचा है, पर यदि चंद्र तल पर जा खड़े हों तो प्रतीत होगा कि पृथ्वी ऊपर आकाश में उदय होती है। सौर मंडल से बाहर निकलकर कहीं आकाश में हम जा खड़े हों तो प्रतीत होगा कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे जैसे कोई दिशा नहीं है। दिशा ज्ञान सर्वथा सापेक्षित है। दिल्ली लखनऊ से पश्चिम में, बम्बई से पूर्व में, मद्रास से उत्तर में और हरिद्वार से दक्षिण में है। दिल्ली किस दिशा में है यह कहना किसी की तुलना सापेक्षता से ही संभव हो सकता है। वस्तुतः वह दिशा विहीन है। समय की इकाई लोक व्यवहार में एक तथ्य है। घंटा मिनट के सहारे ही दफ्तरों का खुलना बंद होना, रेलगाड़ियों का चलना रुकना संभव होता है। अपनी सारी दिनचर्या समय के आधार पर ही बनती है, पर समय की मान्यता भी असंदिग्ध नहीं है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त का समय वही नहीं होता जो हम देखते या जानते हैं। जब हमें सूर्य उदय होते दिखता है, उससे प्रायः 8.5 मिनट पहले ही उग चुका होता है। उसकी किरणें पृथ्वी तक आने में इतना समय लग जाता है। अस्त होता जब दिखता है, उससे 8.5 मिनट पूर्व ही वह डूब चुका होता है। आकाश में कितने ही तारे ऐसे हैं जो हजारों वर्ष पूर्व अस्त हो चुके हैं, पर वे अभी तक हमको चमकते दिखते हैं। यह भ्रम इसलिए रहता है कि उनका प्रकाश पृथ्वी तक आने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। जब वे वस्तुतः अस्त हुए हैं, उसकी जानकारी अब कहीं इतनी लंबी अवधि के पश्चात ही हमें मिल रही है। सौर मंडल के अपने ग्रहों के बारे में भी यही बात है। पंचांगों में लिखे समय से बहुत पहले या बाद में उदय तथा अस्त होते हैं। जो तारा हमें सीध में दिखता है, आवश्यक नहीं कि वह उसी स्थिति में है। प्रकाश की गति सर्वथा सीधी नहीं है। प्रकाश भी एक पदार्थ है और उसकी भी तौल है। 1 मिनट में 1 वर्ग मील जमीन पर सूर्य का जितना प्रकाश गिरता है, उसका वजन प्रायः 1 औंस होता है। पदार्थ पर आकर्षण शक्ति का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तारों का प्रकाश सौर मंडल में प्रवेश करता है तो सूर्य तथा अन्य ग्रहों के आकर्षण के प्रभाव से लड़खड़ाता हुआ टेढ़ा तिरछा होकर पृथ्वी तक पहुँचता है, पर हमारी आँखें उसे सीधी धारा में आता हुआ ही अनुभव करती हैं।
हो सकता है कि कोई तारा सूर्य या किसी अन्य ग्रह की ओट में छिपा बैठा हो, पर उसका प्रकाश हमें आंखों की सीध में दिख रहा हो। इसी प्रकार ठीक सिर के ऊपर चमकने वाला तारा वस्तुतः उस स्थान से बहुत नीचा या तिरछा भी हो सकता है। इस प्रकार दिशा ही नहीं, समय संबंधी मान्यताएं भी निम्रांत नहीं हैं। दार्शनिक विवेचनाओं से देश काल का उल्लेख होता रहता है। उसे कोई मुल्क या घंटा मिनट वाला समय नहीं समझ लेना चाहिए। वह पारिभाषिक शब्द है। वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई को देश कहा जाता है और उनके परिवर्तन को काल। आम तौर से वस्तुएं देश की अर्थात लंबाई, चौड़ाई, मोटाई के आधार पर ही देखी जाती है, जबकि उनकी व्याख्या विवेचना करते हुए काल का चौथा आयाम भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। किंतु गतियां और दिशाएं अनिश्चित भी हैं और भ्रामक भी। काल तो उन्हीं पर आश्रित है। यदि आधार ही गड़बड़ा रहा है तो काल का परिणाम कैसे निश्चित हो। अस्तु वस्तुओं को तीन आयाम की अपेक्षा चार आयाम वाली भी कहा जाए तो भी बात बनेगी नहीं। वस्तुएं क्या हैं, उनका रूप, गुण, कर्म, स्वभाव क्या है, यह कहते नहीं बनता, क्योंकि उनके परमाणु जिस द्रुत गति से भ्रमणशील रहते हैं उस अस्थिरता को देखते हुए एक क्षण की गई व्याख्या दूसरे ही क्षण परिवर्तित हो जाएगी।